तेज से लापता इस विमान में 29 लोग सवार थे। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। विमान से आखिरी संपर्क सुबह 8:46 का है, जबकि रडार पर उसकी आखिरी लोकेशन 9 की है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए वीकली फ्लाइट है। समुद्री प्रहरी के साथ ही डॉनियर विमान भी बंगाल की खाड़ी में विमान की खोज में जुट गए हैं। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड का खोजी विमान भी सर्च ऑपरेशन में जुट गया है। वायुसेना प्रमुख अरुप राहा ने विमान के लापता होने की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दे दी है। सर्च ऑपरेशन में नौसेना के 4 जहाजों को भी लगाया गया है। लापता विमान को आखिरी बार पोर्ट ब्लेयर में 129 नॉटिकल मील पर लोकेट किया गया था। वही अब वह रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से राज्य का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाना बंद कीजिए। पीएम मोदी ने कहा, लखनऊ को दौड़ाने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि मैं तो सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ता हूं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से उन्हें सांसद चुनने के लिए यूपी की जनता का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा, यूपी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि पूरब और पश्चिम देश के विकास के 2 पहिए हैं। यहाँ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हम बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करेंगे। महाजन ने भगवंत मान से वीडियो पर नाराजगी जताई। वही भगवंत मान ने अपनी ओर से इस वीडियो पर सफाई दी। मान से सुमित्रा महाजन ने कहा कि वीडियो बनाने का मामला बेहद गंभीर है और मैं समझता हूं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। महाजन ने मान को स्मरण कराया कि संसद की सुरक्षा के लिए एक बार 13 लोग स्वयं को कुर्बान कर चुके हैं। उन्होंने मान को कहा कि वे इस मामले पर गौर करेंगी। उधर सरकार ने सदन में कहा है कि मान का वीडियो बनाने का मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने जैसे हैं और इससे आतंकवादियों को मदद मिल सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने मान पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही शोर शुरू हो गया। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी वीडियो पर आपत्ति जताई, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्रवाई भी भगवंत मान पर हंगामे के बाद सोमवार के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले भी ऊपरी सदन की कार्रवाई पहले 12 तक के लिए, जबकि फिर 12:32 तक के लिए स्थगित किया गया। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और महेश गिरी ने भगवंत मान के वीडियो मामले पर शून्यकाल में चर्चा के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। हरिंदर ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपनी सीट बदलवाने का अनुरोध भी किया है। हरिंदर ने कहा, मैंने लोकसभा स्पीकर को कहा है कि मेरी सीट बदल दीजिए, क्योंकि मैं भगवंत मान से बहुत परेशान हूँ। कई बार भगवंत मान के पास के शराब की गंध आती है। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले को कई बार केजरीवाल के सामने भी उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी में सिर्फ ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। संसद के वीडियो मामले पर हरिंदर ने कहा, हमारी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि भगवंत मान ने जो वीडियो बनाया है उसमें कोई गलत बात नहीं है। मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा समेत अनेक कांग्रेसी नेता कानूनी घेरे में आ गए हैं। ईडी इस मामले में पंचकुला स्थित AJL की इमारत को भी जब्त कर सकता है। पहली बार किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की नामी संस्था के खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज किया है। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नवजीवन अखबार चलाने के नाम पर करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दी थी। उन्होंने गोलीबारी एवं हमलों से जूझ रहे देश में कानून व्यवस्था फिर से स्थापित करने और अमेरिका को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखने का संकल्प लिया। 70 वर्षीय रियल एस्टेट दिग्गज ने स्वयं को कानून व्यवस्था के लिए उम्मीदवार करा दिया और ISIS को हराने का संकल्प लिया। उन्होंने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का संकल्प दोहराया और जोर दिया कि आतंकवाद के मामले पर समझौता करने वाले देशों से आवर्जन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने आयोग को जवाब देने के लिए 4 का वक्त दिया है। याचिकाकर्ता NGO लोक प्रहरी ने कहा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट भेजने में देरी की जाती है। गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा
सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। हालात सामान्य बनाने के लिए कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं से जम्मू कश्मीर में शांति बनाने में उनकी मदद की अपील की। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भावुक अंदाज में ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि राज्य में शांति हो, इसमें सभी दल उनकी मदद करें। इससे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग का दौरा किया। अनंतनाग एवं कुलगाम जिलों में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र प्रतिक्रिया के बाद अब मायावती और उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। मायावती ने कह दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने एहसास कराने के लिए विरोध किया है। जयशंकर सिंह की पत्नी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि परिवार को राजनीति में घसीटने के लिए वे मायावती पर FIR करेंगी। जयशंकर सिंह के बयान को उन्होंने सही नहीं ठहराया, लेकिन ये कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में अब तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी भी मुखर होने लगी है। बीजेपी कह रही है कि हमने गाली देने के आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, अब DSP भी कार्रवाई करे। परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें जेल में उठाकर डाला जा रहा है। गुजरात में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बीजेपी की राज्य सरकार दलित विरोधी है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो दमन की नीति अपना रही है, गुजरात में सभी धर्म जाति के लोग मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। गुजरात की सरकार और बीजेपी दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित दलित को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, दलित पीड़ितों को न्याय मिले और आरोपियों पर कार्रवाई हो। इससे पहले गोरखपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत अवेधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। मंदिर में संतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संत शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे तमाम परोपकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा बदलाव की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, संत आध्यात्मिक नेता भारत को समृद्धि और आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि शौचालय निर्माण के अभियान में कई संतों ने मदद की। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इससे पहले जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सोसाइटी के गार्ड्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। ये विभाग पहले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के पास था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए शहरी विकास विभाग इसलिए मायने रखता है कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास से लेकर उन्हें नियमित करने, MCD को समय समय पर निर्देश देने का जिम्मा भी इसी विभाग के पास है। गौरतलब है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब सत्येंद्र जैन को दिल्ली के हिसाब से अहम परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिवहन विभाग में प्रीमियम बसों को लेकर हंगामा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोपाल राय से विभाग लेकर जैन को थमा दिया था। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के लिए भूत प्रेत को कारण बताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये बयान उनका नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों के थे, जो उन्होंने सदन में सिर्फ सामने रखे। दरअसल कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने सवाल पूछा था कि सीहोर जिले में पिछले 3 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। इसी के जवाब में सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 3 सालों में यहां लगभग 400 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन लिखित जवाब में 2 किसानों की आत्महत्या के पीछे जब वजह भूत प्रेत को बताया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। किरकिरी होती देख गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ किया कि सीहोर जिले से जो जानकारी सामने आई है वही जानकारी उन्होंने सदन में दी है, इसे उनका खुद का बयान न समझा जाए। उन्होंने JDU द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति पर हुई इस अमानवीय घटना के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपित गरुरक्षा दल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
कुमार ने कहा है कि पार्टी ने शरद यादव की अगुवाई में वहां सांसदों को प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय किया है, जो वहां पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा करेगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके गृह राज्य में हुए इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता है। नीतीश कुमार ने कहा कि दलितों पर हो रहे ऐसे हमलों से गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति का पर्दाफाश हुआ है। महिला समेत दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के खरादी मोहल्ले की है। खरादी मोहल्ला के एक मकान की छत पर पिछले कई दिनों से ये झंडा लगा था। किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग कर कल सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियो क्लिप डाल दी। इसके बाद मामले की जांच करने गुरुवार की सुबह एसपी कुमार आशीष, एसडीओ सुधीर कुमार, डीएसपी शेफुरहमान सहित कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। पकड़ी गई महिला ने पाकिस्तानी झंडा लगाने की बात स्वीकार की है। ऐसी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को 10 पूर्व चेयरपर्सन की सूची मिली है। इनमें से एक को सर्च कमेटी बनाए जाने पर उसमें शामिल किया जाएगा। मित्तल को 31 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे रेलवे बोर्ड में मेंबर और केंद्र सरकार में सेक्रेटरी थे। अभी तक रेलवे बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट करती रही है। इसमें कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर्स इस पद के लिए योग्य होते हैं।